स्वागत है बच्चों जी टी साइंस के चैनल पे, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स नेक्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंड एंड राइट 6, यानी कि अभी तक हमने 1, 2, 3, 4, 5 क्या हमने पढ़ चुका है। अब 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद आता है हमारा 6। तो हम क्या करते थे जब हम लोग पढ़ते थे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ते थे, तो हम क्या देखते थे कि जहाँ पे लेसन का नाम लिखा है वहाँ पे क्या होते थे, टेडी बियर्स थे। 5 में 5 टेडी बियर्स थे, फिर 4 में 4 थे। बट अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है, अब यहाँ हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, ट्रेन दिख रही है ना, ट्रेन गाड़ी जैसे दिख रही है। तो अगर हम इसे काउंट करेंगे तो ये क्या 6 होंगे, यानी कि 5 से ज़्यादा। अगर 5 में हम 1 प्लस कर दें तो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। 6 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, 6 को हम हिंदी में 6 बोलते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। यानी कि यहाँ पे टोटल कितने हैं, यहाँ पे टोटल 6 ट्रेन, हम ट्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो हमें दिख रहे हैं। फिर 6 हम लिखते कैसे, आपको यहाँ पे दिख रहा है, 6 को हम कैसे लिखेंगे, 6 को हम लिखेंगे ऐसे। बट 6 पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, 6 पढ़ने से पहले हम लोग जो पहले का पढ़ चुके हैं उसे क्या करते हैं, उसे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने 1 पढ़ा था। तो 1 हम ऐसे बनाते थे, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 की स्पेलिंग क्या होती थी, 1 की स्पेलिंग होती थी O N E 1। फिर हमने 2 पढ़ा, 2 की स्पेलिंग क्या होती थी, T W O 2। देन हमने पढ़ा 3 की स्पेलिंग होती थी T H R E E 3। फिर हमने पढ़ा 4 की स्पेलिंग क्या होती थी, F O U R 4। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने 5 पढ़ा, 5 की स्पेलिंग थी F I V E 5। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं 6। पहले क्या करेंगे हम लोग, उल्टा सी बना के ऐसा राउंड कर देंगे तो क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। 6 की स्पेलिंग क्या होती है, S I X, SIX क्या होता है, 6 होता है। तो ये क्या है, 1 से लेके 6 तक, यानी कि हमने पहले क्या पढ़ा था, पहले 1 आता है, 1 की स्पेलिंग O N E 1। 2 आता है T W O 2। 3 आता है T H R R E 3। फिर आएगा 4 F O U R 4। फिर आता है 5 F I V E 5। देन आता है हमारा 6 X I X, SIX क्या होता है, हमारा 6 होता है। अब हम वापस कहाँ ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें बहुत सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं। जब हम 1 पढ़ना स्टार्ट किए थे तो हमें, हमने 1 एप्पल देखा था, 2 में 2 एप्पल्स देखा था, 3 में 3 एप्पल्स देखा था, 4 में 4 देखा था, 5 देखा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम 6 पढ़ रहे हैं। तो 6 में कितने एप्पल्स होने चाहिए, 6 में 6 एप्पल्स होने चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। यानी कि यहाँ पे टोटल कितने एप्पल हैं, यहाँ पे टोटल 6 एप्पल्स हैं। फिर अगर हम लोग 6 के पास देखेंगे तो 6 के पास हमें कुछ बच्चे दिख रहे हैं। अगर हम इन बच्चों को काउंट करेंगे तो ये कितने बच्चे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। यानी कि यहाँ पे टोटल कितने बच्चे, यहाँ पे टोटल 6 बच्चे। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें डोरेमोन दिख रहा है। अगर हम डोरेमोन और डोरेमोन के फ्रेंड्स को काउंट करेंगे तो ये भी कितने होते, डोरेमोन हो गया 1, नोबिता 2, शिजुगा 3 हो गई, डोरेमी 4, जियान 5 एंड सुनियो 6। तो ये भी कितने, 6 है। तो इस चैप्टर में हम क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे, हम 6 के बारे में पढ़ेंगे। 6 कब आता है, 6 आता है 5 के बाद आता है। 6 की स्पेलिंग क्या होती है, 6 की स्पेलिंग होती है S I X। S I X क्या होता है, आपका 6 का स्पेलिंग होता है। आपने 6 के एग्जांपल्स क्या देखे, पहले तो आपने डोरेमोन और डोरेमोन के फ्रेंड्स को देखे, वो 6 थे। फिर एप्पल्स को देखा, वो 6 थे। फिर यहाँ पे बच्चे भी 6 थे। फिर ये जो ट्रेन का ये था, ये भी कितने थे, 6 थे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, अब 6 के बारे में। अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक पे जाते हैं कि टेक्स्ट बुक में क्या बोला गया है। तो आपको टेक्स्ट बुक में हर बार की तरह क्या दिया गया है, यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए। यहाँ पे आपको क्या बोला गया, ड्रॉ 6 बीड्स, यानी कि आप बनाते हुए आए हो, बीड्स यानी कि क्या, मोती होती है। तो यहाँ पे आपको कितनी बनानी है, 6 बनानी है। तो पहले क्या करो, आप पहले राउंड कर लो, बाद में उसको कलर करना, उससे क्या होगा, पहले आप 6 तक काउंट करके उनको बना लो, फिर उनको कलर कर लो। तो ये हो गया 1, हो गया 2, 3, 4, 5, 6। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब क्या करो, इसमें कलर डाल दो। ये लिया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3,
फोर फाइव सिक्स। तो यहाँ पे हमने टोटल कितने कलर किए, तो यहाँ पे हमने टोटल सिक्स बीट्स को कलर किया। अगर हम काउंट करें तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव, ये हो गया सिक्स। तो यहाँ पे टोटल कितने बीट्स थे, यहाँ पे टोटल सिक्स बीट्स थे। देन अगर हम यहाँ पे और पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या है, बग्स हैं, जो छोटे छोटे रेड बग्स होते हैं वो दिख रहे हैं, यानी कि इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो है। तो अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो ये कितने, ये भी हो गए वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव, ये हो गया सिक्स। तो ये टोटल कितने, सिक्स है। फिर नीचे हमें क्यूब दिख रहा है, स्क्वायर क्यूब दिख, स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर जैसे क्या दिख रहे हैं, कुछ तरह से क्यूब जैसे दिख रहे हैं। तो अगर हम इन्हें काउंट करेंगे ये कितने होंगे, फाइव होंगे, फोर होंगे, थ्री होंगे, कितने होंगे, हम लोग काउंट करके देख लेते हैं। ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि तो फाइव से भी ज़्यादा है। और हमने क्या देखा था, अगर हम फाइव में वन प्लस कर दें, फाइव फाइव एंड वन, तो क्या बना देता है, सिक्स बना देता है। तो ये क्या हो गया, सिक्स हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, फाइव एंड वन मेक सिक्स, यानी कि फाइव, फाइव फिंगर्स हमारे हैंड में, फाइव फिंगर्स होते हैं अगर हम काउंट करें तो। ये वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव है। अगर फाइव में हम वन फिंगर और ऐड कर दें वन, तो ये कितने हो जाएंगे, सिक्स हो जाएंगे। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये टोटल कितने हो गए, सिक्स हो गए। फिर हमें क्या दिखा है, सिक्स को हम लिखते कैसे, कैसे लिखेंगे, पहले सर्कल करो फिर नीचे पूरा सर्कल कर दो, तो क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। सिक्स की स्पेलिंग स्टार्टिंग में हमने ये कहा था, क्या है वो है एस आई एक्स। एस आई एक्स क्या होता है, सिक्स का स्पेलिंग होता है। देन नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे फिंगर्स कैप दिख रहे। हमने देखा अभी कि फाइव एंड दूसरे हाथ की वन फिंगर, ये कितनी हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे, सिक्स फिंगर है, यानी कि सिक्स है। देन नेक्स्ट हमें नीचे क्या बोला, कॉकरोच हैज लेग सिक्स, काउंट देम इफ यू विश, यानी कि जो कॉकरोचेज होते हैं वो, उनके पास कितने लेग्स होते हैं, उनके पास पैर कितने होते हैं, छह पैर होते हैं। और आपको क्या बोला कि अगर आप नहीं मानते हो तो आप क्या करो, उन्हें काउंट करके देख लो। तो कॉकरोचेस हम क्या करते हैं, काउंट करके देख लेते, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या है, कॉकरोच है। तो अगर इसके लेग्स को हम काउंट करें, काउंट कर लेते, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव और ये हो गया सिक्स। तो यहाँ पे टोटल कितने लेग्स हैं इसको, सिक्स लेग्स हैं। और आपको टेक्स्ट बुक में भी यही बोला है कि कॉकरोच के पास कितने लेग्स होते हैं, तो उनके पास सिक्स लेग्स होते हैं। यहाँ पे देख भी लिया, सिक्स लेग है, कैसे, ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो कॉकरोच के पास कितने लेग हो गए, सिक्स लेग हो गए। सिक्स कैसे आएगा, तो फाइव एंड वन, फाइव एंड वन में सिक्स, यानी कि फाइव फाइव में अगर हम वन को ऐड कर दें, वन को मिला दें, तो कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है, प्लेस द स्ट्रिंग इन सच अ वे दैट सिक्स ऑब्जेक्ट कम्स इन अ लूप, यानी कि ये जो स्ट्रिंग दिया गया है इसको ऐसे हमें यहाँ पे राउंड करना है कि छः ऑब्जेक्ट्स आ गए। जैसे कि ये हमें पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, पूरे कितने इस लूप के अंदर, यानी कि ये सर्कल के अंदर, सर्कल तो नहीं है बट समझ जाओ, ये जो स्ट्रिंग दिया गया, यानी कि जो रस्सी दी गई है, रस्सी के अंदर हमें छह ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि हमें, जैसे ये सिक्स को मैंने सर्कल किया, वैसे यहाँ पे हमें काउंट करके सिक्स को क्या कर देना है, सर्कल कर देना। तो ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सिक्स को कर देंगे। तो ये क्या हो गया, सिक्स के सर्कल में आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिक्स तक काउंट करो। ब्लू कलर की क्या ले लो, आप कलर पेंसिल ले लो, क्रेयॉन्स मत लेना, कलर पेंसिल यूज़ करना। और फिर क्या करो, ऐसे सिक्स के नीचे बना दो, जैसे मैंने बनाया वैसे बना दो। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सिक्स को लिखने की प्रैक्टिस करनी है आपको, यानी कि सिक्स को हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रही है, पहले डॉटेड लाइन को ट्रेस करो, ये हो गया सिक्स, ये हो गया सिक्स, पहले ऐसा करो फिर पूरा सर्कल बना दो। यानी कि पहले क्या करोगे, सी हम कैसे बनाते हैं, हम सी ऐसे बनाते हैं, अब सी को उल्टा बना दो, सी को ऐसे उल्टा बना के ये ऐसे कर दो, ठीक है, क्या बन जाएगा, सिक्स बन जाएगा। ऐसे क्या करो, आप यहाँ पे सिक्स बनाने की प्रैक्टिस करो, तो इससे क्या होगा, आप समझ जाओगे, सिक्स को पहले ऐसे करो, ऐसे करो,
राउंड राउंड, तो ऐसे क्या हो जाएगा, आप सिक्स बनाना सीख जाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिक्स लिखते कैसे, वो लिखते कैसे वो भी साथ में स्पेलिंग भी याद करते जाओ। स्पेलिंग क्या होती है, SIX, SIX क्या होती है, सिक्स की स्पेलिंग। वापस बोलेंगे तो SIX क्या हो गई, सिक्स की स्पेलिंग हो गई। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि यह क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, इससे क्या होगा आपको और पता चलेगा सिक्स के बारे में। तो यहाँ पे बोला गया सर्कल एनी सिक्स पिक्चर्स गिवन बिलो, यानी कि जो ये पिक्चर्स दी गई है, पहले क्या दिख रही है, पहले हमें आइसक्रीम दिख रही है, तो हमें क्या करनी है, सिक्स आइसक्रीम को सर्कल करना है। तो हम पहले पहले से काउंट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल हमने कितना सर्कल किया, 6। वापस लिख के भी लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल कितने सर्कल किए हमने, 6 किए, क्योंकि हमें 6 करना है, अभी हम 6 के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर नीचे हमें चॉकलेट्स दिख रहे हैं, चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, तो दांत भी ख़राब हो जाते हैं, बट अभी हम क्या करेंगे, 6 चॉकलेट्स को सर्कल करेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमने टोटल कितने सर्कल किए, यहाँ पे हमने टोटल 6 जो चॉकलेट्स थे उनको सर्कल किया। अगर हम लोग देख लेते हैं वापस काउंट करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने थे, 6। कैसे देखो, 1, 2 ऐसे लिखो, 3 ऐसे लिखेंगे, 4 ऐसे, 5 ऐसे, 6। ये भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे टोटल हमने कितने सर्कल किए, यहाँ पे हमने 6 सर्कल किए। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या दिख रही है, यहाँ पे कार दिख रही है, येलो कलर की कार है। फिर यहाँ पे फ्रूट है, पियर फ्रूट है। देन हम इसमें भी हमें क्या करना है, 6 कार को सर्कल करना है। तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। टोटल कितने सर्कल हो गए, 6 हो गए। काउंट करके भी देख लेते, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अगर हम पियर्स को भी पहले काउंट कर लें, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितने सर्कल किए हमने, 6 सर्कल किए। ऐसे ही आप क्या करो, आप घर पे ट्राई करो, 6 को लिखेंगे कैसे, 6 को बोलेंगे कैसे, 6 की स्पेलिंग क्या होगी, SIX, इसको मत बोलो, 6 को हम लिखते हैं ऐसे। तो ये क्या करो, आप इसको याद करो, 6 की स्पेलिंग को, 6 को लिखते कैसे। फिर और ऐसे ही हमने क्या किया, ऐसे ही हमने इस चैप्टर को भी देखा, इस लेसन को भी देखा, यानी कि अभी हमने किसको देखा, 6 को देखा। 6 के बाद क्या आता है, वो हम अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।